Hello friends, welcome back to my channel Mango Wall Arts. Today I will tell you about myself, my art journey. लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप आर्ट कैसे बनाते हैं, आप क्या आप आर्ट सिखाते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। मेरे काफ़ी फैंस मुझसे ये सवाल करते रहते हैं, तो उनके लिए ही मैंने खास ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि आप कहाँ रहते हैं। मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, उत्तराखंड में। और दूसरा सवाल है, क्या आपने आर्ट सीखी है, क्या आपने फाइन आर्ट कोर्स किया है। तो नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। ये सब मेरी चाइल्डहुड हॉबी है। जब से मैंने पेन पकड़ा है तब से ही मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। सिर्फ ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये आर्ट इतना फाइन हुआ है। मैंने इसमें कोई आर्ट कोर्स नहीं किया है, तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही करी। वो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सिर्फ ये मैंने एक शौक की तरह से अपने शौक में बैठ के ही मैं ये ड्राइंग करता था फ्री टाइम में होके। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे मुझे ये लाइन मिलेगी, मैं ऐसा वर्क करूँगा क्या। कभी मुझे खुद नहीं लगता था कि मैं पोर्ट्रेट बना पाऊँगा। जैसे पोर्ट्रेट में इतनी प्रैक्टिस करी है, मुझे खुद इतना फील होता था कि मैं क्या कभी पोर्ट्रेट बना पाऊँगा आर्ट में। मैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ कार्टून्स बनाता था, जो एक शौक के तरीके से था। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा, पोर्ट्रेट बनाया, कितने बार गलती हुई, 10 बार गलत हुआ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी मैं बनाता रहा सिर्फ। और वो प्रैक्टिस से ही आपका हाथ, आपका माइंड ट्रेंड होता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो तीसरा सवाल लोग मुझसे ये करते हैं कि आपका स्टूडियो कहाँ है, आप कहाँ बनाते हैं। तो मेरा कोई ऐसा खास स्टूडियो नहीं है, लेकिन मैंने एक ये पेंटिंग रूम बनाया है जहाँ मैं पेंटिंग करता हूँ। और वैसे दरअसल मैं अपनी शॉप में ही वर्क करता हूँ। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं अपनी शॉप में रहता हूँ। वहीं पर फ्री होके, फ्री टाइम में मैं वहीं पे ड्राइंग करता हूँ। आप फोटोज़ देख सकते हैं, मैं इस तरीके से बैठ के यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ। और रात को जब घर में आता हूँ तो फ्री टाइम जो मुझे 2-3 आर्ट्स मिलते हैं, रात को मैं यहीं पे समय बिता के यहीं पे ड्राइंग बनाता हूँ। और सवाल लोग करते हैं मुझसे, आप कब से ड्राइंग कर रहे हैं। मैं बचपन से ही ड्राइंग कर रहा हूँ, जब से मैंने पेंसिल पकड़ी है तभी से, आप कह सकते हैं मैं तभी से ड्राइंग कर रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैंने फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट क्लास में क्या बनाई थी। मैंने उस टाइम पे एक लोटस बनाया था, जो काफ़ी वहाँ पे स्टूडेंट को और टीचर को काफ़ी अच्छा लगा था। वो मुझे आज तक याद है कि मैंने कितना, मतलब मुझे फील है कि वो लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि वो काफ़ी अच्छा है। तो बस तब से लाइन मेरी बनी हुई है कि मैं आर्ट बनाते रहता हूँ अपने एक शौक के तरीके से। अब लोग पूछते हैं, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। हाँ, तो अब मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि अब मैं काफ़ी ऑर्डर्स वर्क करता हूँ। पोर्ट्रेट हो गए, पेंटिंग्स हो गई, तो इसके काफ़ी ऑर्डर्स मुझे मिले। तो जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये 3D ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं, जिसमें चॉकलेट, कुरकुरे, कैंडी, तो ये कंपनी को प्रमोट करने के लिए मैं ये बनाता हूँ। तो इसमें कंपनी मुझे भी पे करती है उनके प्रमोशन के लिए। और लोग उससे पूछते हैं कि आप 3D ड्राइंग्स से इंस्पायर कैसे हुए, आपने कब से स्टार्ट करी। तो 3D ड्राइंग्स में सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे इंस्पिरेशन गुरु हैं, जो सबसे बेस्ट मेरे लिए 3D आर्टिस्ट हैं, वो हैं मार्सेलो बारेंगी, जिनका वर्क सच में पूरे वर्ल्ड में बहुत फाइन है। उन्हीं से ही मैं आगे प्रेरित हुआ हूँ, उन्हीं को ही मैंने, उनकी ड्राइंग्स काफ़ी मैंने देखी हैं। तो स्टार्टिंग में एक दो वर्क मैंने उनके भी मैंने ट्राई करे हैं। तो मेरे लिए तो खैर सबसे बेस्ट वही आर्टिस्ट हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हर एक आर्टिस्ट के नीचे एक आर्टिस्ट होता है, उसके ऊपर एक आर्टिस्ट होता है। तो मेरे लिए खैर सबसे बेस्ट वही हैं, एक गुरु की तरह। हालांकि उनसे मेरा ऐसा कोई लिंक नहीं है, लेकिन मेरे को ये बेस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ मैं। और लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आप आर्ट क्लासेस सिखाते हैं।
क्या आपकी कोई क्लासेस हैं? तो नहीं, मेरी कोई क्लासेस नहीं है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं टाइम लैप्सी वीडियोस दिखाता हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। या आर्ट क्लासेस में इसलिए भी नहीं खोल पाता हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपनी शॉप भी देखनी होती है। शॉप के साथ साथ मैं ये भी काम करता हूँ क्योंकि मुझे वर्क बहुत होता है इस चीज़ का, क्योंकि अब काफ़ी ऑर्डर्स वर्क मेरे को मिलते हैं इनमें। तो इसलिए आर्ट क्लासेस का तो खैर मैंने अभी नहीं सोचा है। आगे अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो मैं ज़रूर क्लासेस खोलना चाहूँगा, उसको सिखाना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।